हम अपने रिश्तेदार से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो हमसे नफरत करते हैं। यही तो हुक्म है शरीयत का कि सिल मन कतअक, उससे रिश्तेदारी जोड़ो जो तुमसे तोड़े। अह सिल लिमन असा इलैक, उस पर एहसान करो जो तेरे साथ बुराई करें, वरना नेकी वाले के साथ सब नेकी करते हैं। जो किस्तों पे गाड़ियां मिलती हैं ये सूद नहीं है, ये जायज़ है। अगर किसी गैर महरम औरत के साथ आदमी सो जाए, अब सो जाएगा क्या मन अल्लाह आलम, बाद में वो औरत बंदे के निकाह में आ सकती, क्यों नहीं आ सकती है? यानी हराम कर सकते हो, हलाल करने का मसला पूछ रहे हो, सोने का मसला तो नहीं पूछा आपने। अब अगर निकाह शरीयत में हलाल, उसका पूछा जी निकाह हो सकता है जनाब, हो सकता है, और देते रहे कि मुँह काला किया है तो निकाह कर लो ताकि पिछला ऐप भी धुल जाए। मैंने, मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में था तो एक ड्राइवर था, उसकी दाढ़ी थी यूँ ऐसे छोटी सी, तो उसको सब हलाकू हलाकू कहते थे, उसकी शक्ल अल्लाह माफ़ करे मिलती होगी। तो वो गाड़ी इतनी तेज़ और साफ चलाता था कि मैं अड्डे पे उसके गाड़ी का इंतज़ार करता था, चाहे घंटा बैठना पड़े, और वो भी मेरा बड़ा एहतराम करता था, फौरन अपने साथ सीट खाली कराता। मैंने देखा कि जब वो सीट पे बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, वाफिद कुरान था, सारा रास्ता कुरान पढ़ता था, और जहाँ नमाज का वक्त आया मस्जिद पर गाड़ी रोक दी, और जहाँ किसी ने सिगरेट पी उसने कहा अभी सिगरेट वाले को ब्रेक मारी, इसको उतार दो, पैसे वापस कर दो, मेरी गाड़ी में आप सिगरेट नहीं पी सकते, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तुम सिगरेट पी रहे हो। और उसने ये भी मुझे कहा, उसने कहा मक्की साहब इस कुरान की बरकत ये है कि आज मैं 15 साल से ये बड़ी बड़ी बसें जो है मैं चला रहा हूँ, लेकिन कभी ज़िंदगी में मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ और कभी ज़िंदगी में मेरी गाड़ी को किसी की लकीर भी नहीं लगी, ये कुरान की बरकत है। और मेरे मालिक भी इतने खुश हैं, जब कोई और 0 मीटर गाड़ी आती है वो मुझे देते हैं, ये किसी और को दे देते हैं, कहते हैं इसके बाद गाड़ी महफूज रहेगी। तो असल तो कुरान की बरकत है, पढ़ते रहो, ज़रूर पढ़ो। जो शोहर अपनी बीवियों से अदल न करे या बीवियाँ अपने शोहर की नाफरमानी करें, बस जहन्नम है और क्या है। दोनों घर तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और एक दूसरे का एहतराम करें। बुलंद आवाज में जनाजा पढ़ना 1400 साल में तो नहीं था, अब कुछ मौलवियों को समझ आया है मसला। वैसे उनके वालिदैन का भी बगैर आवाज़ के जनाजा पढ़ा गया है, पता नहीं उसके बारे में ये क्या राय देंगे। बस एक मसला है, नई नए मौलवी पैदा हो गए हैं, वो खुद मुज्तहिद बन गए हैं माशाल्लाह। जिसको 2 हदीसें याद आ गई वो सिर्फ मौलवी नहीं, वो कहते हैं मैं मुफ्ती भी मैं हूँ, मुज्तहिद भी मैं, मैंने समझा है हदीस को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे इलाके में एक जमात है जो कहते हैं कि फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात जो हैं ये सही नहीं है, तो बस अल्लाह उनको हिदायत दे, वो पहले किताब खोल के पढ़ें कि ये शेखुल हदीस ने अपनी तरफ से लिखा या किसी किताब का भी हवाला है। अगर उसमें किताबों का हवाला है, तरगीब का, तरहीब का, मुंजरी का, तो उन किताब वालों को पहले गालियाँ दो, शेख को बाद में गालियाँ देना ना, उसने तो नकल किया है। जो सिंध के हरम में नमाज़ें पढ़ते हैं, इंशाल्लाह नमाज उनकी भी हो जाएगी, लेकिन कोशिश कर। अब मैंने देखा है, मैं जब भी आता हूँ लोग आमदन आधा आधा घंटा पहले बैठे हुए हैं समय बना के, वो लगे बंदे अंदर हरम खाली पड़ा हुआ है। तो अब ये ज़्यादती है, वजह क्या है कि ताकि सलाम फेरें और भागें। तो जिनका दिल मस्जिद में न लगे ना, तौबा करो, ये बड़ी ख़तरे की अलामत है। मेरी सास मुझ पर नाराज़ है, मैं बात करता हूँ मेरी बात का जवाब भी नहीं देती, जब जाओ कोई हदी अशदिया ले जाओ देखो देती है जवाब भी नहीं देती। तुम तो उल्टा खाना खाने पहुँच जाते हो, लड़की भी दे तुम्हें खाने भी खिलाए और तुम्हारा एहतराम भी करे, क्यों उसको चाहिए कि ना करे। बहरहाल हल यही है कि आप जब यहाँ से जाओ ना जी, तो उनके लिए ससुराल के, अपने ससुर के लिए, उसकी घरवाली के, सास के लिए, उनकी और बेटियाँ, सब के लिए हदाया लेके जाओ। देखो फिर सीधे मुंह बात करती हैं कि नहीं करती है।